रेवाड़ी में कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त। बिना मास्क व ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के काटे चालान। रेवाड़ी में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 442 हुई। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन बेशक अभी तक जानलेवा नजर नहीं आई है, मगर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह वायरस खतरनाक नहीं है। देश भर में हर रोज कोरोना की तीसरी लहर के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही बदस्तूर जारी है। रेवाड़ी जिले में रविवार को 152 केस मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 442 पहुंच गई है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। हालांकि 70 संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तीसरी लहर में भले ही मृत्यु का आंकड़ा कम हो, लेकिन इस संक्रमण के फैलाव का आंकड़ा काफी ज्यादा है। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा भी सख्ती से कोविड नियमों का पालन करवाया जा रहा है। रविवार को रेवाड़ी पुलिस ने शहर के सर्कुलर रोड पर जगह जगह पुलिस नाके लगाकर चालान की कार्रवाई की। पुलिस की ओर से बिना मास्क और बेवजह घर से निकलने वालों और यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए। पुलिसकर्मी मनोज कुमार और ब्रज शर्मा ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों पर लोगों को कोरोना वायरस की तीसरी लहर के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है कि लोग संक्रमण को हल्के में न लें और मास्क पहनकर खुद अपना और अपने परिवार का बचाव करें। बस स्टैंड पुलिस चौकी की ओर से रविवार को बस स्टैंड के बाहर और जगन गेट चौकी पुलिस की ओर से लियो चौक पर वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के चालान किए गए और उन्हें कोरोना नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा पुलिस की ओर से यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों से भी सख्ती से निपटा जा रहा है। इनमें ऐसे वाहन चालक जो बिना हेलमेट, बिना कागजात और ट्रिपल राइडिंग के साथ चल रहे हैं, उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। मास्क लगाने के प्रति लोग जागरूक भी हुए हैं। थोड़ा जाम भी रहता है, त्यौहार भी है और जो मास्क लगाते हैं उनका चालान कर रहे हैं। विदाउट मास्क घूम रहे हैं, ट्रिपल सवारी, विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट हेलमेट, अभी तक 10 चालान किए जी विदाउट मास्क के और एनजीएफ के। तकरीबन सभी मिल जाए विदाउट मास्क उनका चालान कर रहे हैं। 10% के लोग बिना मास्क को उनका चालान कर रहे हैं जी सर। जी आज हम जो है ना विदाउट मास्क, विदाउट हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग इनका चालान कर रहे हैं। मिल रहे किसी के आजकल में से बहुत ही कम है, आते हैं बंदे विदाउट मास्क, लेकिन ये है कि 10-5 मिनट में एक आधा बंदा आ ही जाता है। कोरोना का जो है लगातार बढ़ ही रहे हैं, बाकी घटने का तो कोई नाम ही नहीं है। बहुत फर्क पड़ा है पहले से जो है बहुत फर्क पड़ा है। अभी तो हमें एक तो चला अभी आए हैं। कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं, नया ओमिक्रॉन दस्तक देने लगा है। इसका सबसे बड़ा जो खतरा ये नज़र आता है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जहाँ भी ये टीवी वगैरह में हम टेलीविज़न में देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स लोग ये बतलाते हैं कि ये कम खतरनाक है, लेकिन खतरनाक और कम खतरनाक क्या होगा, जब तेज़ी से फैलेगा तो मुश्किल आ जाएगी। प्रशासन हमारे यहाँ तो एक खुशी की बात है, उपायुक्त महोदय और अतिरिक्त उपायुक्त महोदया दोनों ही काबिल अफसर हैं और स्थिति को कंट्रोल करने में सक्षम है। पहले भी यहाँ स्थिति को कंट्रोल किया DC साहब ने, और अब तो उनको एक और ADC साहिबा मिल गई, उससे काम और आसान हो जाएगा उनके लिए। तो अभी ये मास्क लगा के लोगों को घूमना चाहिए, भीड़ की जगह से बचना चाहिए, और जो प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए उसको सख्त होकर जिला प्रशासन को सख्ती के साथ लागू करने चाहिए, तभी हम रोक पाएंगे लहर को। जीते हम पहले भी कोरोना से हैं और इस ओमिक्रॉन से भी जीतेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। लगाया है उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग जो बेवजह डोलते रहते थे उससे संक्रमण नहीं फैलेगा और रोक लगेगी। और ऐसे ही फिर इस टाइम नाइट कर्फ्यू के टाइम को बढ़ाया जाएगा या हफ्ते में एक दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। काम तो सारे करे जाएंगे मुसीबत से बचने के लिए, क्योंकि ये एक रेवाड़ी के लिए, किसी गली के मोहल्ले के लिए तो है नहीं, सारे देश में ये फैलता जा रहा है, फैलने की बात है। तो बाकी रेवाड़ी में तो जरूर
मैं समझता हूँ कि हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर कंट्रोल कर लेगा, इसमें मुझे शक नहीं दिखाई पड़ता। लोगों को सहयोग करना चाहिए, मास्क लगा के ही निकलना चाहिए, भीड़ भाड़ी वाली जगह से बचना चाहिए जितना बच सके, और जो नियम सरकार बतलाती है या बतला रखे उनका पूरी तरीके से पालन करना चाहिए लोगों को, तभी हम सब मिलकर इस ओमिक्रॉन को भी मारेंगे और जैसे हमने कोरोना को मारा।